हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल पे प्रॉपर्टीज, और ये लेक्चर जो आने वाला आपका बहुत ही बढ़िया, ये प्रॉपर्टीज आपकी अगली एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। तो सबसे पहले पी जीरो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में ये पी जीरो नेम से है प्रॉपर्टी, इसकी बात करते हैं। कह रहा है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिमिट ए से बी किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी लिमिट ए से बी के बराबर होता है। तो देखो सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, एलएचएस लेके चलूंगा, आरएचएस दिखाने वाला हूँ। LHS क्या है, LHS आपका है a से b f of x dx। अब पुट कर लो x की जगह t, पुट कर लो x की जगह t, x का डेरिवेटिव 1 t का dt by dx। और जब पुट करते हैं तो आपको अच्छे से पता है लिमिट भी चेंज होती है। when x is equal to a तो t आपको क्या मिलेगा, t आपको a ही मिलेगा। और when x is equal to b तो टी भी आपको क्या मिलेगा, टी भी आपको बी मिलेगा। तो यहां पे क्या करने वाले हैं, हम यहां पे ए रखने वाले हैं, यहां पे बी रखने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या रखने वाले हो, टी। और साथ में आपका जो डीएक्स है, देखो डीएक्स इज इक्वल टू क्या आ चुका, डीएक्स आपका क्या आ चुका, डीटी। तो अब देख सकते हो मैं एलएचएस लेके चला था, सोल्व करके क्या ले आया, आरएचएस। कहने का मतलब यह है कि अगर वेरिएबल बदलते हो आप, x की जगह t रखते हो या x की जगह a रखते हो, कुछ b रखते हो, कुछ b a b तो चलो लिमिट है, m रखते हो f of m dm, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चीजें सेम होती है। मैं ये भी कह सकता हूं, यहां पे देखो ये भी कह सकता हूं, a से b f of x dx is equal to होगा a से b, सिर्फ आप x की जगह चेंज करो। देखो x की जगह मैं m रख रहा हूं, m यहां भी dm, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, इक्वल। तो आपको दिमाग में सेट कर लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी सारे यहाँ पे यूज है इनके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया LHS इज इक्वल टू RHS, आपको खूब अच्छे से पता है कैसे हम चीजें पुट करते हैं, कैसे टीमें बदलते हैं, वो एक काम क्या है। तो ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, दिमाग में सेट कर लो, काम आने वाले। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, P1 प्रॉपर्टी देखो, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन f of x लिमिट a से b किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन f of x a से b लिमिट पर आगे क्या रहेगा, माइनस, इसके इक्वल होगा, आगे क्या रहेगा, माइनस। देखो समझते हैं, LHS सॉल्व कर लो, RHS सॉल्व कर लो, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो चीज ऐसी होगी, ऐसी आपकी चीज होगी, ठीक है, इक्वल ये दोनों हो गए। LHS सॉल्व करता हूं, a से b f of x dx, तो यहां पे स्मॉल fx का इंटीग्रेशन, कैपिटल fx लिमिट आपकी a से b। अब क्या करने वाले हो, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करने वाले हो, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करने वाले हो, ये आ गया, ठीक है। अब RHS सॉल्व कर लो, सिंपल से RHS सॉल्व कर लो, RHS क्या है, माइनस b से a f of x dx। सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन कैपिटल f of x, बाहर क्या है माइनस, इसका भी ध्यान रखना है, लिमिट b से a। अब अपर लिमिट रखोगे तो एफ ऑफ ए, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो एफ ऑफ बी। अब माइनस अंदर ले जाओ तो ये तो प्लस का बन गया, ये माइनस का, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब आप देख सकते हो ये भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब ये इसके इक्वल। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। तो ध्यान रखना आपको, अगर ए से बी लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट चेंज करेंगे। अगर लिमिट को चेंज करेंगे, बी से ए करेंगे तो हमेशा किसका फर्क पड़ेगा, माइनस का फर्क पड़ेगा, हमेशा किसका फर्क पड़ेगा, माइनस का। लिमिट ए से बी थी, अगर बी से ए लिमिट करोगे तो आगे माइनस लगा देना, सारी चीजें यू की हुआ, बस ये दिमाग में सेट करना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलता हूं आगे, थर्ड प्रॉपर्टी पी टू पे प्रॉपर्टी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिमिट ए से बी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिमिट ए से सी प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिमिट सी से बी, मतलब ए और बी के बीच में जरूर कौन है, सी है, ए और बी के बीच में जरूर कौन है, सी है। ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, तोड़ के चीजों को, ठीक है, ए से सी। अरे सिंपल सी बात है, देखो ऐसे कह रहा हूं मैं, थ्री से फाइव हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, ये चीज है ये, और आपको अच्छे से पता है ऐसे हम कर सकते हैं। थ्री से फाइव है तो हम क्या कर सकते हैं, थ्री से फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 4 से 5 f of x dx, सिंपल सी चीज है, दोनों चीजें इक्वल ही आएंगी। ये सोल्व करोगे, दोनों चीजें इक्वल आनी है।
तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, आपको यकीन हो जाएगा सचमुच ये दोनों चीजें इक्वल है। देखो पहले तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, a से b f of x dx को सोल्व करता हूँ। ये क्या होगा, कैपिटल f of x इसका इंटीग्रेशन, लिमिट आपकी a से b, अपर लिमिट f of b माइनस लोअर लिमिट f of a, ये आ गया, इसको मान लो फर्स्ट। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। चलो a से c f of x dx, a से c f of x dx, इंटीग्रेशन कैपिटल f x, लिमिट a से c, अपर लिमिट f of c माइनस लोअर लिमिट f of a, इसको मानोगे सेकंड। ऐसे ही तीसरी चीज ये भी सोल्व कर लो एक बार, तीसरी चीज तो नहीं इसके साथ ऐड हो रखी है, पार्ट सोल्व कर लो, c से b f of x dx, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, कैपिटल f of x, लिमिट क्या है c से b, अपर लिमिट f of b माइनस लोअर लिमिट f of c, इसको मान लो थर्ड। अगर मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करता हूं, सेकंड और थर्ड को ऐड करता हूं, इसको और इसको ऐड करता हूं, तो देखो ये आपका सेकंड लिख लो, इंटीग्रेशन a से c f of x dx प्लस c से b, c से b f of x dx, इनको ऐड करता हूं तो देखो क्या आता है, समझना, इनको ऐड करोगे तो f of एक मिनट बेटा, इसमें लिमिट a से c है, ठीक है, और इसमें c से b है, हाँ ठीक है। देखो इनको ऐड करते हो आप, f of c से f of c आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल ऐड करोगे तो क्या बचेगा, f of b माइनस f of a तो बचेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो f of c से f of c कैंसिल होगा, f of b माइनस f of a तो बचेगा, देखो f of b माइनस f of a, और ये क्या आपका f of b माइनस f of a, और ये किसके बराबर है, इंटीग्रेशन a से b, इंटीग्रेशन a से b f of x dx के बराबर है। तो अब आप देख सकते हो ये वही प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन a से b f of x dx किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन a से c f of dx प्लस इंटीग्रेशन c से b f of x dx के बराबर आएगा। प्रूफ दे चुका हूं, चलता हूं P3 प्रॉपर्टी पे, सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चंस में इनका यूज करेंगे तो आपको और भी अच्छे ढंग से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी जब क्वेश्चंस में इनका यूज करेंगे। चलता हूं P3 प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी देखते हैं, बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी, देखो कह रहा है कि इंटीग्रेशन f of x dx a से b लिमिट है, तो आप उसको पता है क्या लिख सकते हो, a से b लिमिट f of, इन दोनों को जोड़ो a प्लस b, और ये जो x है इसको माइनस कर दो साथ में dx, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, काफी यूज होगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट तो पता ही होना चाहिए, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये पता होना चाहिए, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में हम यूज करने वाले हैं। अब इसका प्रूफ बता देता हूं, देखो लेट t इज इक्वल टू a प्लस b माइनस x, t को मैं क्या लेट कर रहा हूं, a प्लस b माइनस x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का तो dt by dx, और इधर ये जीरो, a का जीरो b का जीरो, और माइनस x का माइनस वन, तो यहां पे आपकी dx की वैल्यू आ गई माइनस का dt, dx की वैल्यू क्या आ गई माइनस का dt, यहां पे रख रहा हूं सारी चीजें, LHS लेके चलूंगा, RHS बनाऊंगा। अब एक काम और रह गया ना, when x is equal to a, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई, आसान सी चीजें, x की जगह a लिखोगे तो t कितना मिल रहा है, a से a कैंसिल, t कितना मिल रहा है b, और when x is equal to आपका b, b जब रखोगे तो आप b से b कैंसिल, t कितना मिला a, तो भाई शुरू हो जाते हैं, x a था तो t b मिला, x b है तो t a मिला, f of लिख लिया, x की जगह x की वैल्यू निकालना, x इधर आएगा t उधर जाएगा, तो a प्लस b माइनस t बनेगा, यानी और dx की जगह माइनस का dt, तो माइनस बाहर लिख रहा हूं साथ में dt। अब एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, अभी अभी बताई थी जस्ट मैंने, अगर लिमिट को इंटरचेंज करता हूं, b को ऊपर ले जाता हूं, a को नीचे लेके आता हूं, तो साइन का फर्क पड़ता है, तो यहां पे पहले से माइनस है, एक और माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, a से b प्लस बन गया, ये माइनस, बताई थी ये चीज, लिमिट को चेंज करते हो साइन का फर्क पड़ता है, माइनस है तो प्लस बनेगा, प्लस है तो माइनस बनेगा। अच्छा प्रॉपर्टी यूज कर दी और साथ में यूं क्यों, f of a प्लस b माइनस t साथ में dt। अब फिर एक प्रॉपर्टी का यूज करता हूं, आपको अच्छे से पता है कि वेरिएबल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे t है उस पे आप हर जगह x कर दो, t है वहां पे हर जगह x कर दो, तो f of a plus b minus का x, ये आपका dx,
हो गया, कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हो मैं LHS को सोल्व करते करते क्या बना चुका हूं, RHS आप देख सकते हो क्या बना चुका हूं, RHS। तो इस प्रॉपर्टी का ये प्रूफ था, अगर प्रॉपर्टी का प्रूफ पूछा जाए तो जरूर बताओगे। और प्रॉपर्टी तो आपको ध्यान ही रखनी है कि अगर ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने को, क्वेश्चन को सोल्व करने में ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। आसानी से सारा प्रूफ बता दिया है, अगर पेपर में प्रूफ आता है तो प्रूफ बताओगे, नहीं तो प्रॉपर्टी का तो जरूर पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होगी। और प्रॉपर्टी देखते हैं, P3 का पर्टिकुलर केस है, जो P3 प्रॉपर्टी उसका पर्टिकुलर केस है, कुछ भी नहीं देखना, 0 से a लिमिट f(x)dx ऐसा मिल जाए। और महत्वपूर्ण भी है, महत्वपूर्ण बहुत, मतलब एक्सरसाइज में ज्यादातर ये यूज होगी, महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादातर ये। अगर 0 से a f(x)dx है तो आप देखो इसी को यूज करने वाला हूं मैं, वहां पे इसी को यूज करने वाला हूं। हमने क्या किया था, 0 से a सेम लिखा, a से b, और फिर f लिख के इन दोनों का जोड़ किया, इन दोनों का जोड़ किया, a और b का जोड़, a प्लस b, और उसमें से ये x घटाया अंदर वाला। तो यहां पे क्या करूंगा, 0 और a का जोड़ a, 0 और a का जोड़ a, और उसमें से क्या घटा लूंगा, ये x माइनस एक्स डी एक्स। तो सेम इसका पर्टिकुलर केस है, P3 का पर्टिकुलर केस है, कुछ भी नहीं। फिर से समझ लीजिए, यहां पे क्या था, a से b f(x)dx था, तो हमने क्या किया, a से b लिखा, f ऑफ इन दोनों का जोड़ किया a प्लस b, और ये x घटाया जो अंदर है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 0 से a f(x)dx है, तो 0 से a लिखा, f लिख के 0 और a का जोड़ किया जो a आया, उसमें से x घटाया dx। आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण है बहुत, आपको अच्छे से याद कर लेने। P4 प्रॉपर्टी, P5 प्रॉपर्टी देखेंगे अब। P5 प्रॉपर्टी देखते हैं, 0 से 2a f(x)dx किसके इक्वल होता है, 0 से a f(x)dx प्लस 0 से a f(2a-x)dx के। कहीं ऐसा आता है तो हम यूज कर सकते हैं, इसकी जगह हम ये चीजें लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये चीजें लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं, अगर एग्जाम में प्रूफ आता है तो करके आएंगे। मैं LHS लेके चल रहा हूं, LHS LHS क्या है, 0 से 2a f(x)dx है। क्या मैं इसको एक प्रॉपर्टी का यूज करके ऐसे लिख सकता हूं, 0 से a f(x)dx प्लस a से 2a f(x)dx, बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसे। एक प्रॉपर्टी थी a से b f(x)dx, जिसमें मैंने क्या लिखा था, a से c f(x)dx प्लस c से b f(x)dx लिखा था, ध्यान हो। तो 0 से a, 0 से 2a को क्या लिख रहा हूं, 0 से a प्लस a से 2a, ऐसे मैं लिख सकता हूं। एक प्रॉपर्टी खूब अच्छे ढंग से बताई थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये तो अपना आ ही गया RHS का, ये तो अपना आ ही गया, अब अपने को ऐसा और चाहिए, इसको मैं ऐसा बना दू तो अपना प्रूफ हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। भाई ये चीज तो आ ही गई, देखो अगर इसको मैं ऐसा बना दू कैसे भी करके, तो आपका LHS किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर, क्योंकि LHS लेके चल रहे, RHS बना दे। तो इसको सोल्व कर रहा हूं, इसको सोल्व कर रहा हूं, देखो इस इंटीग्रेशन में, इसमें खाली इसमें आप क्या करने वाले हो, लेट करने वाले हो टी को 2a-x, लेट करने वाले हो टी को 2a-x, लेट करने वाले हो। जब वहन x इज इक्वल टू a होगा तो t इज इक्वल टू a आएगा, और x इज इक्वल टू 2a होगा तो t आपका क्या आ जाएगा, 0, t क्या आ जाएगा आपका 0। और a का मोर भी पता होगा, t का इंटीग्रेशन dt/dx, और 2a का 0 और माइनस एक्स का -1। एक बार देख लेता हूं कहीं कट तो नहीं रहा है, नहीं अभी नहीं कटा, ठीक है। तो यहां से आपका dx इज इक्वल टू क्या मिल गया, -dt। तो चीजों को t में बदल रहे, सीधी सी बात यह है, चीजों को t में बदल रहे। और बेटा ध्यान रखना, आपको प्रूफ पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। ये 0 से a f(x)dx, ये तो यू क्यू इसको कुछ नहीं कह रहा, इसको सोल्व करके मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूं। अब देखो ध्यान देना, आप लिमिट x a था तो t a आया, x 2 a है तो t 0 आया, ठीक है, t 0 आया। f ऑफ x की जगह यहां से x की वैल्यू निकालो, x इधर आया, t उधर जाएगा, तो 2a-t। और देखो आप dx की जगह -dt, इसकी जगह -dt रखोगे तो यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस और साथ में dt, माइनस साथ में dt। अब एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, यूज करके भी आया हूं, पीछे भी दूसरी प्रॉपर्टी में भी यूज की थी वो प्रॉपर्टी। ये तो आपका ऐसे के ऐसे,
अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे लाते हैं, तो यहाँ पे साइन किसका प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का फर्क पड़ता है, माइनस ऑलरेडी माइनस हो रहा है, तो प्लस जीरो से हो गया एफ ऑफ टू ए माइनस टी डी टी। अब एक प्रॉपर्टी मैं यहीं पे मिटा के यूज करने वाला हूं, इधर ही हम वेरिएबल को टी से किस में लिख सकते हैं, एक्स में, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स लिख सकते हो, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हो। अब देखो LHS लेके चला था, सॉल्व करते करते क्या ले आया, RHS, क्या ले आया, RHS, देख सकते हो ये है प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ बता दिया, अदरवाइज आपको डायरेक्ट तो ध्यान रखनी है कि कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें हमें इसको यूज करना है। यस, अगले क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगली प्रॉपर्टी P6 प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान सी है, यहाँ पे मैं P5 प्रॉपर्टी का पूरा यूज करूंगा। कह रहा है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स 0 से 2a इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल कब होगा, तब ये होगा, तब इसके इक्वल 0 के इक्वल कब होगा, तब ये होगा, तब। समझते हैं इसको अच्छे से, P5 प्रॉपर्टी का यूज करता हूं। देखो P5 प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी थी, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होता है, अच्छे से पता है हमें, 0 से a एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डीएक्स, ये हमें अच्छे से पता है, ये याद कर लेनी आपको बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए ना, तभी तो अप्लाई कर पाएंगे, तब हमें पूरी प्रॉपर्टी याद होगी। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसका LHS लेके चलने वाला हूं, इसका P6 प्रॉपर्टी का LHS लेके चलने वाला हूं। LHS क्या होता है, मैं लेके चल दिया, यहां पे मान लो LHS लेके चल दिया, इसका LHS क्या है, 0 से 2a f of x dx, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं किसका यूज करके, किसका यूज करके, P5 प्रॉपर्टी का यूज करके इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, यस ऐसा लिख सकता हूं, LHS लेके चला, इसको मैंने ऐसा लिख दिया किसका यूज करके, P5 प्रॉपर्टी का यूज करके। अब देखो व्हेन या इफ, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर मैं एफ ऑफ एक्स रखता हूं, अगर मैं एफ ऑफ एक्स रखता हूं, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रखता हूं, तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो 0 से a f of x dx तो ऐसे की ऐसे, और यहां पे 0 से a f of x आ जाएगा, क्योंकि मैंने f of 2a माइनस एक्स को f of x मान लिया, ठीक है। तो ये देखो सेम चीजें है दोनों, जोड़ हो जाएगा 2 इन 2 a से b लिमिट f of x dx आ जाएगा जोड़ होके। अब एक प्रूफ तो आ चुका, एक प्रूफ तो आ चुका, ये इसके इक्वल होगा कब, जब ये होगा, यही मैंने लिया है। अब दूसरा प्रूफ, अब मैं इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को रख रहा हूं माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या रख रहा हूं, माइनस एफ ऑफ एक्स, जब आप इसकी जगह माइनस एफ ऑफ एक्स रखोगे ये तो ऐसे ही रहेगा, 0 से a एफ ऑफ एक्स डीएक्स, जब इसकी जगह माइनस एफ ऑफ एक्स रखोगे तो ये माइनस आ जाएगा 0 से a एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और अब आप देख सकते हो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 0, जब मैंने ये रखा तो 0 आया, और जब मैंने ये रखा तो ये आया, और यही चीज है, ये रखा तो ये, और ये रखा तो 0, यही चीज है, एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दिया है, आप ध्यान से देखेंगे। वैसे आपको डायरेक्ट आपको मालूम भी होना चाहिए कि ये इसके इक्वल तब होता है जब ये होता है, ये इसके इक्वल कब होता है जब ये होता है, ये आपको डायरेक्ट जरूर मालूम होने चाहिए, और प्रूफ कर भी लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, P7 की तरफ, प्रॉपर्टी देखते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये तब होगा जब आपका फंक्शन इवन होगा, एफ ऑफ एक्स इवन होगा, इवन फंक्शन में क्या होता था, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स आपका जीरो होगा कब, जब फंक्शन ऑड होगा, ऑड फंक्शन में क्या होता था, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम, LHS लेके चल रहा हूं सिंपल, LHS माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ए से जीरो एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ऐसा मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, एक प्रॉपर्टी की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसा लिख लिया। अब देखो इसको तो एज इट इज रखना है, इसको थोड़ा मैं सोल्व करना चाहता हूं, इसको एज इट इज इसलिए रख लिया क्योंकि ऐसा ये तो ऐसा बन चुका, देखो इसके RHS जैसा बनने लग गया, ये तो है ही ऐसा, इसको सोल्व करके कुछ ऐसा 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 ही बनाएंगे। तो यहां पे मैं लेट कर रहा हूं, या पुट कर लो आप x की जगह या t की जगह माइनस,
एक्स, टी की जगह माइनस एक्स, तो यहां पे डी टी आपको माइनस का डीएक्स मिलेगा या डीएक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस डी टी, बात एक ही है। अब देखो समझना, आप समझना, अगर मैं एक्स की जगह माइनस ए लगाता हूं तो टी ए मिलेगा, यहां लिख रहा हूं ठीक है, ये सोल्व कर रहा हूं, एक्स की जगह माइनस ए लगाया तो टी आपको ए मिला, एक्स की जगह जीरो लगाया तो टी आपको जीरो मिला, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां से निकालना माइनस टी आई यहां रख लो, और डीएक्स की जगह माइनस डी टी माइनस बाहर लिख के डी टी, और ये तो एज इट इज लिखना ही है, जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब मैं एक काम करने वाला हूं, लिमिट बदलने वाला हूं, ए ऊपर जीरो नीचे लेके आने वाला हूं, तो क्या होगा, जो माइनस है वो प्लस बनेगा, जीरो से ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी और प्लस जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एक काम और करते हैं, यहां पे जब वेरिएबल टी है दोनों, तो इनको एक्स भी बना सकते हैं, ये भी एक्स और ये भी आपका एक्स बनेगा, बात समझ में आई। अब बस इसका प्रूफ हो चुका, एक बार आप एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ ऑफ एक्स रखो, जब आप एफ ऑफ एक्स रखोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ ऑफ एक्स रखोगे, तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो क्या कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये सेम चीजें दोनों, तो टू टाइम्स जीरो से एफ ऑफ एक्स डीएक्स आएगा, यानी अगर ऐसा रखा ये सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स को आपने एफ ऑफ एक्स रखा तो ये आ गया देखो। और एक बार अगर जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस एफ ऑफ एक्स रखते हो तो माइनस बार जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और वो तो एज इट इज लिखा जाएगा जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो आप देख सकते हो दोनों कैंसिल होके क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स रखा तो जीरो आया, देख सकते हो ठीक है, जीरो आया, ये आ गया, और एफ ऑफ माइनस एक्स को जब आपने एफ ऑफ एक्स रखा तो ऐसा आया था। तो इसका प्रूफ बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज आपको जरूर आनी चाहिए, इनके प्रूफ आने चाहिए, और इनको यूज करना सिखाऊंगा मैं अगली एक्सरसाइज के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, ओके।